देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज को घंटा दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक। बीच मैदान पर भिड़ गए हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस, मैच रेफरी में लगाया फटाकर। बुधवार को मुंबई इंडियंस के विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंज बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद साथ में मुंबई की टीम प्ले ऑफ में जगह लगभग पक्की रह गई है। मैच के आखिरी लम्हों में मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और आरसीबी के खिलाफ खिलाड़ी क्रिस मॉरिस के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। मैच के बाद रेफरी मनु नायर ने कहा कि दोनों फटाकर लगाई है। इन दोनों को कोड ऑफ कलेक्टर तोड़ने का आरोप लगा दिया है। क्रिस मॉरिस ने हार्दिक पांड्या के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। मैच के 15वें ओवर में मॉरिस ने अपने स्कोर के यार्कर पर लेंथ को देखे हार्दिक पांड्या को खास परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर पांड्या ने करार छक्का लगा दिया। 17वें ओवर में एक बार फिर से दोनों को एक दूसरे को सामने थे और इस ओवर में बाजी मॉरिस ने उन्होंने पहली 5 गेंदों में एक चौका और छक्का लगाए थे, मौका नहीं दिया। इसके बाद 19वें ओवर में पांड्या ने चौथी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मॉरिस पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों में कैच करवा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या पवेलियन लौटने के दौरान मॉरिस की बहस करने लगे। दोनों के बीच जुबानी देखने को मिल गई। मैच के बाद रेफरी को इस घटना को देखने नाराजगी जताई और इस खिलाड़ियों को फटाकर लगाई। क्रिस मॉरिस ने आईपीएल के कोड में कंडक्टर 2.5 को तोड़ने की दोषी लगाया, जबकि हार्दिक पांड्या कोड ऑफ 2.20 तोड़ने की दोषी थे। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि हमारी वीडियो को कैसी लगी।